टीवी इंडिया 18 की खबर का हुआ असर। बलौदा जिला सहकारी बैंक में किसानों से घुसखोरी करने वाले बलौदा शाखा प्रबंधक को हटाया। नए शाखा प्रबंधक होंगे मुकेश पांडे। नोडल ने बैंक कर्मचारियों के लिए क्लास लगाई फटकार। आपको बता दें, बलौदा जिला सहकारी बैंक में समर्थन मूल्य में धान बेचने के बाद मेहनत की कमाई का पैसा पाने के लिए किसानों को अपने पैसा निकलवाने के लिए अवैध वसूली किया जा रहा था, जहां किसानों से अवैध वसूली का मामला सामने आया, जहां किसानों की मुद्दा को हमारे चैनल टीवी इंडिया 18 पर प्रमुखता से प्रकाशित किया। मामले पर जिला सहकारी बैंक बिलासपुर संभाग सीईओ प्रभात मिश्रा ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए बलौदा सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक शैलेंद्र तिवारी को तत्काल बलौदा सहकारी बैंक से हटा दिया, जिसे सख्ती जिला सहकारी बैंक तबादला कर दिया। वहीं धनिया सहकारी बैंक में शाखा प्रबंधक बलौदा सहकारी बैंक का प्रभारी बनाया। साथ ही किसानों से घुसखोरी मामले में कर्मचारियों पर कार्यवाही की बात भी कही। किसानों ने घुसखोरी की पैसा वापस कराने की मांग की। बीते दिनों बलौदा सहकारी बैंक में एक वीडियो सामने आया, जिस वीडियो में किसानों से अवैध वसूली किया गया। साथ ही अब जागरूक किसानों ने घुसखोर के पैसा वापस कराने की मांग की। किसानों का कहना है, बैंक में जिस तरह से घुसखोरी का किसानों से पैसा लिया गया, वो वापस करो। जांच के नोडल अधिकारी ने बैंक कर्मचारियों की क्लास लगाई और फटकार लगाई। अवैध वसूली मामले पर प्रकाश में आने के बाद नोडल अधिकारी जीपी तिवारी ने बलौदा सरकारी बैंक के कर्मचारियों को नोटिस जारी किया। उनके साथ ही कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और साफ साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए गलती करने पर या गलत पाए जाने पर माफी नहीं, सीधा कार्यवाही की बात कही। क्या कहते हैं कलेक्टर आकाश छिकारा? किसानों से घुसखोरी मामले पर गहरी नाराजगी जाहिर की। किसानों से कहा कि बैंक में किसी भी कर्मचारी को रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं, ना कोई कर्मचारी आपसे पैसा निकलवाने के लिए रिश्वत मांग सकता है। अगर ऐसा किसी भी बैंक कर्मचारी या प्रबंधक के द्वारा लापरवाही किया जाता है, तो तत्काल उनके ऊपर कार्यवाही किया जाएगा।